हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके घर के चैनल लवी स्टोर में। आज का टॉपिक जो मैं पिछली बार आपको बताया था कि एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, जिससे क्या जैसे क्या होता है, देखना कभी भी आईडी फॉरगेट करना है आपको, है ना, मान लो पासवर्ड भूल गए हैं, तो जब फॉरगेट करते हो तो आपको बस वहाँ आपका नंबर शो नहीं करता, बस ईमेल दिखा देगा। अब मान लो ईमेल का पासवर्ड भूल गए हो या ईमेल को रिकवर नहीं कर सकते, तब कैसे आप अपना अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को कैसे रिकवर करोगे। इसके लिए मैं एक बताया था कि आपको एक प्रॉपर लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो उसी के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिएगा, और यहाँ पर आपको मैं एक लिंक दिखाई देता हूँ, बगल में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक पेज ओपन होगा, ठीक है। इसका जो लिंक है मैं आप कॉपी करके वीडियो के नीचे दे दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिए सेकंड वाले को आपको टच करना है, जिसमें लिखा हुआ कांट ऐड ईमेल, मेरे को ईमेल को ऐड नहीं करना है, मैं कहीं और यूज करना चाहता हूँ, कहने का मतलब ये है, ठीक है। सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पर ऊपर में अपना ईमेल डाल दीजिएगा जो ईमेल डाला हुआ है फेसबुक में, और नीचे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज रिमूव कर, बस इतना लिख दीजिएगा काफ़ी है। नीचे में अपना नाम लिखिएगा और अपना डेट ऑफ बर्थ जो फेसबुक में है, और एग्री और सेंड, काम खत्म। आपका ईमेल जो है ना लगभग 10 मिनट लेता है, 10 से 12 मिनट आपका ईमेल वहां से हट जाएगा। तो अब ईमेल हट गया तो भाई फॉरगेट के लिए आपके नंबर पे ही आना पड़ेगा फेसबुक को, एकदम इजी आसानी से। सबसे पहली बात, दो तीन टर्म कंडीशन बता देता हूँ। सबसे पहला क्या होता है, हमेशा फेसबुक अगर यूजर हो आप, फेसबुक को हमेशा एक क्रोम ब्राउजर में ओपन जरूर रखना। सभी बहुत लोग गलती करते हो, क्या गलती करते हो कि बस मेन अकाउंट में रखे हो, लॉगिन रखे हो, पासवर्ड भूल गए, या कुछ भी हो सकता है यार, कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए क्रोम ब्राउजर में हमेशा रखना, ताकि लिंक का यूज वहां से आप लोग कर सकते हो। पहला चीज, ये सब कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ प्रॉपर जो मैं खुद यूज करता हूँ। इसलिए चलिए ये सब बात हो गई, तो आपको लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और एकदम बायो में कोड लगा कर रखिएगा, 23 जनवरी को रिफ्रेश है, न्यू अकाउंट आ रहा है प्रकाश सिंह नाम से, अमित आदित्य 10 लाख 7 लाख बहुत बड़े बड़े फॉलोअर्स वाली आईडी हो चुकी है, लेकिन मैं न्यू आईडी से इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि नए बंदे जो एक्टिव बंदे रहते हैं सिर्फ उनको पुशअप स्टार्टिंग देने के लिए। क्या होता है ना कि कई बंदे ऐसे होते हैं कि कई सदियों से पड़े हुए हैं और सपोर्ट करना नहीं है, बस है तो है वाला हिसाब किताब है, तो उनका एक्टिव रहना ना रहना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़ायदा नहीं हो पाता किसी भी सपोर्टर्स को, इसलिए नया आईडी के साथ कमबैक किया जा रहा है। तो एकदम बायो में लिख के रखिएगा, 23 जनवरी 20 तारीख को आपका टाइमलाइन ओपन करेंगे, ओनली ऑन उनके लिए जो सपोर्टर्स हैं, जो पोस्ट डालना चाहेंगे, जो भी वो सारे पोस्ट डाल सकते हैं, 20 तारीख को टाइमलाइन ओपन रहेगा। हाँ, एक जाते जाते खास बात एक और कर लेते हैं। हाँ, कुछ बंदे लोग बोल रहे थे भैया कई लोग उल्टा सीधा हरकत कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते हो कुछ, क्यों नहीं कर रहे हो कुछ, बोलो। मैं क्यों बोलूँगा, पहली बात जिसको जो करना है, फेसबुक किसी की बात करनी है, जिसको जो करना है करे, मैं सिर्फ उनके बारे में सोच रहा हूँ जो बंदे किसी के बहकावे में इधर उधर भटक रहे हैं, उनके बारे में मैं ये सोच रहा हूँ कि सामने वाला आपको क्या देगा। फेसबुक में चलिए आपको नाम देगा बोलते हैं, चलो आपको नाम मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, है ना। आईडी में अगर आपके कुछ प्रॉब्लम होगा तो सबको पता है कि सोनू भैया ही मदद करेंगे, बी स्टोर में ही आना पड़ेगा आपको। अगर इंस्टाग्राम पे प्रमोट चाहिए उसके लिए भी आपको एसआर फैमिली में ही आना पड़ेगा। यूट्यूब इन फ्यूचर आने वाले टाइम में मैं यूट्यूब का भी आपका प्रमोट चालू कर रहा हूँ, कि जो जो चैनल छोटे छोटे यूजर है, कई लोग चैनल बना कर रखे हैं, वो लोग चाहते हैं कि भैया हम लोग थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाए, मोनेटाइज हो जाए, उनमें भी मैं ही हेल्प करने वाला हूँ। तो किसी के चंद बहकावे में मत आए, और बस एक ही लाइन बोलूँगा प्यार से कि चलिए भाई मुझे ये बताइएगा कि हाथी चलता है तो कुछ तो होता ही है, भौंकते ही हैं, तो भौंकने दो। आप अपना बस ध्यान दो, अपने जो भी फ्रेंड है उनका ध्यान दो, अच्छे से रहो। और रिस्पेक्ट की बात करते हैं कुछ लोग, लेकिन उनके टाइमलाइन पे ही सबसे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट चलता है, तो कोई मतलब नहीं होता। एक लाइन और बताऊँगा, सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन चलना या लाइक आना का मतलब नहीं होता कि आप सोनू राजपूत हो या एसआर फैमिली बन गए हो, ऐसा नहीं होता। एसआर फैमिली तब कहलाता है जब हर कंडीशन में, फेसबुक हो, पर्सनल लाइफ हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, आईडी डिसेबल हो, या किसी प्रकार, एग्जांपल के लिए अभी बता देता हूँ मैं, कई लोगों के आईडी एसआर फैमिली में, और कई लोगों के क्या आईडी है, जिनको भी जानते हो गए उनके आईडी उड़ी है, कई लोग मेरे पास हेल्प लिए हैं और कई एप स्टोर से ही हेल्प लेके अनलॉक किए हैं, कहाँ से। तो कहने का मतलब लंबा सोचो, छोटे छोटे सोचोगे कि हाँ अभी तो, हाँ सोनू भैया अभी इनएक्टिव हैं, अभी मैं नहीं हूँ, तो आपको लग रहा होगा सोनू भैया बोल नहीं रहे हैं कुछ, नहीं किसी को सुना नहीं रहे हैं, मतलब सोनू भैया क्या बोलते गलत है, रॉन्ग है। हाँ भाई मैं रॉन्ग हूँ, ठीक है, मैं गलत हूँ, मैं बहुत बुरा लड़का हूँ,
इतना बुरा लड़का हूँ मैं, इतना बुरा लड़का हूँ कि मैं अपना मतलब जो भी मेरे नाम से अर्निंग होती है उसको मैं पब्लिक को दे देता हूँ, इतना बुरा हूँ मैं। 50,000 दे देता हूँ, इस सीजन 1,00,000 रुपये दे दे रहा हूँ, मैं ही बुरा हूँ, है ना। चाहूँ तो वो सब पैसा रख लेता मैं, लेकिन देता क्यों, इसलिए दे देता हूँ क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं 23 तारीख को, और 20 तारीख को याद रखिएगा, शाम को नहीं मतलब 20 तारीख को ओपन करेंगे टाइम लाइन। आप लोग इन्जॉय कीजिएगा, सिर्फ उनको ऐड कीजिएगा जिनके बायो में 23 जनवरी होगा, और जिसके बायो में कोड वोड नहीं होगा उसको एकदम बाय बाय कर देना, और उनको मैं एफबी स्टोर से भी ब्लॉक करूंगा ताकि वो कभी फेसबुक से कोई भी किसी प्रकार की कोई भी हेल्प ना मिले उनको। ऐसे बंदों को ना दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कुछ गर्ल्स को एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। यहाँ पर एक लड़की बोल रही है कि भैया, वहाँ पर मैं रिप्लाई भी किया था, आप पढ़ सकते हो यार, मैं इतना एफोर्ड मतलब लड़की लोगों के डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं बंदे लोग। ये ठीक है यार, आपको जो बनना है आप बनो, बता रहा हूँ, फेसबुक किसी के बाप की नहीं है, आपको जो बनना है आप सोनू राजपूत से बड़े बन जाओ, मेरी दुआ है आप मेरे से बड़े बनो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप किसी लड़की या किसी भी सपोर्टर्स को फ़ोन करके गाली दे रहे हो, किसी को पर्सनल हरेस कर रहे हो, ये सब कभी सोनू राजपूत नहीं सिखाया है और ना ही सिखाएगा किसी को। तो मेरे जितने भी सारे सपोर्टर्स हैं, कभी भी किसी को कोई बैड लैंग्वेज, पहला प्राथमिकता रूल नंबर है सार फैमिली का यही है, किसी को बैड लैंग्वेज में कोई भी आपत्तिजनक सब ना कहें, कोई भी सार फैमिली के, और बाकी जो कर रहे हैं करने दें। ठीक, लव यू ऑल, थैंक्स टू वॉचिंग।